तो भाई यार अपना जो गोप्रो है ना वो ये रखा, आप पूछ रहे थे ना मैं यूज क्यों नहीं करता गोप्रो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस यार कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस यार रात को क्या सीन हुआ था कि मैं जयपुर से आया था और जयपुर से भाई इतना ज़्यादा टाइम लग गया था मेरे को, आते आते 10 बज गए थे और घर वाले इतना ज़्यादा डांट रहे थे। मैं खाना वगैरह बिना खाए ना भाई इतना ज़्यादा थक गया था कि बिना खाए खाना सो गया था। मम्मी ने कल चूरमा बनाया था, दाल बाटी चूरमा, वो भी नहीं खाया था। और मम्मी कल व्रत वगैरह थे, आप लोगों ने तिल वगैरह खाया हो, तिल वगैरह के लड्डू खाए होंगे ना, कमेंट बताना। वो मिस भी कर दिया यार मैं, मतलब कि हमेशा मेरे को चाव रहता है कि भाई तिल के लड्डू बन रहे हैं घर में तो मेरे को खाना है, बट वो मैं कल मिस कर दिया था। और आज का कुछ ऐसा सीन है कि मैं सुबह उठ गया था, 4 बजे से पहले उठ गया था और वीडियो एडिट करके, और आज वीडियो लेट अपलोड हुई, लगभग 9 बजे गए थे। तो यार थोड़ा मेरे को दुख हो रहा था कि 8:30 बजे वीडियो अपलोड नहीं हुई। आप लोगों ने देखा भी होगा 8:30 बजे वीडियो नहीं आई थी, 9 बजे वीडियो आई थी, बट आई होप कि वीडियो 8:30 बजे आ रही है। तो भाई यार आज का कुछ सीन ऐसा है कि आज मौसम हो रखा है एकदम बारिश वाला और बहुत ज़्यादा शाम को बारिश हो रही थी, मतलब रात को तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पर, और सर्दी भाई बहुत ज़्यादा हो रखी है और हवा भी चल रही है। और अब देखो आज कल संडे है, तो कल संडे को तो लॉकडाउन रहेगा यहाँ पर, तो पापा तो इतना ज़्यादा डांट रहे थे भाई बाल क्या क्या कर रहा है बालों का, तो आज बाल कटाने जाना है। बाकी मैं आपको पूरा शहर घुमाऊंगा आज, और मैं पहले आपको है ना यहाँ का मौसम दिखा देता हूँ कि मैं मौसम कैसा हो रहा है, और उसके बाद खाना वगैरह खा के चलते हैं यहाँ से। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर आप 25,000 तक का बोनस कमा सकते हो, और गाइस जिसके ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड मैतुलम है। और गाइस इसमें UPI, फोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम द्वारा आप पैसे विड्रॉल और डिपॉजिट भी कर सकते हो। यार इसमें किसी भी कस्टमर सेवा के बारे में आप जानना चाहते हो तो इसमें 24 आवर्स कस्टमर सेवा उपलब्ध है, तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक करो और पैसे कमाओ। तो गाइस यार आज का मौसम देख लो, इतना ज़्यादा बादल वगैरह हो रखे हैं और सुबह तो बारिश भी आ रही थी, और इधर देखो यार जो ये जलाने वगैरह काम आते हैं ना ये पूरे भीग चुके हैं, मतलब वेस्ट हो चुके हैं, इसको वापस नीचे गिरना पड़ेगा। और इधर भी मौसम ऐसा ही हो रखा है कुछ, मतलब इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई, कतई जहर वाला मौसम हो रहा है एकदम ठंड से, और हमारे भैंस वगैरह ये बंध रही है। और गाइस यार इधर की बात करें ना तो इधर सरसों के जो फूल थे ना वो झड़ने लग गए, और अभी देखो इनके बहुत ज़्यादा फली भी आने लग गई। देखो फली जब मैं आपको दिखाया था जब छोटी छोटी थी, अभी फली भी आने लग गई, तो मतलब कि ये सरसों लगभग 15 दिन में एकदम पक के तैयार हो जाएंगी, और इसके पूरे फूल है ना 2-4 दिन में झड़ जाएंगे। और गाइस यार देखो जो अमरूद का पेड़ था ना, इस अमरूद के पेड़ के जो सारे पत्ते ना वो रेड रेड हो गए, पता नहीं ये रेड रेड क्यों हो गए यार, सर्दी की वजह से तो नहीं हो गए? और इसके अमरूद भी अब थोड़े थोड़े मोटे भी हो गए, देखो इधर तो छोटा ही है, उधर लग रहे हैं बड़े, और देखो मोटे मोटे भी हो गए, बट देखते हैं कब पकते हैं। अब पता है गाइस बहुत सारे जानवर आके बैठ जाते हैं इस पे, जैसे कि तोता वगैरह, और वो खा जाते हैं, तो खाते तो है नहीं बट नीचे तोड़ के पटक देते हैं, आपको दिख रहे होंगे, देखो ये छोटे छोटे वेस्ट हो गए, मतलब बिल्कुल एक ये पड़ा और इधर भी पड़ा है, तो मतलब बहुत सारे जानवर, बट उनको हम कुछ कहते नहीं है कि आराम से खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो खा लेते हैं, हम भगाते नहीं हैं उनको। और गाइस देख लेते हैं अंदर मम्मी ने क्या बनाया आज, भूख तो मेरे को बहुत ज़्यादा लगी है, सुबह उठा ना तब से भूख लगी है। अब यार देखो गांव में है ना किचन ऐसा ही होता है, और भाई घी है तो यार मम्मी ने घी तार रखा है आज, देखो दूध भी जैसा लगता है ना बट ये घी है देसी घी, कोई ना रसगुल्ला रखे रहें थोड़ा सा। चलो इधर रोटी है, दाल है, और कुछ मिर्च रखी है, और इधर दूध भी गर्म होगा तो मैं काम कर लेता हूँ, पहले खा लेता हूँ उसके बाद मार्केट चलते हैं, क्योंकि पता नहीं लेट हो जाएंगे वहाँ पर आने में। तो गाइस यार खाना खाओ के एकदम रेडी हो चुके हैं, और देखो इधर है ना मम्मी है ना घी को है ना उसके अंदर डाल दिए डोले के अंदर। मम्मी ये तवा रह जाएगा क्या, ये जैसा है वैसा रहेगा, चिम जाएगा बाद में? घी गाइस घी देसी घी है बिल्कुल, अपनी भैंस का जो घी होता है ना वो देसी घी। तो अब चलते हैं अपन मार्केट, और पहले बाल वगैरह कटवा के, और फिर मैं आपको थोड़ा बहुत अपना शहर घुमाता हूँ, फिर घर आके थोड़ी बातें करते हैं। और ये रही मेरी छोटी सिस्टर गीतांशी। अरे ये बोल रही है वीडियो को लाइक करना, तो गाइस यार कर देना वीडियो को लाइक। गीतांशी ये किसके साथ खेल रही है? गुडे के साथ है। तेरी स्कूल कब खुलेंगी? कब खुलेंगी? अच्छा 3-4 दिन छुट्टी है फिर जाना है। अच्छा ठीक है, खेले नहाई नहीं ना तू आज? हाँ? नहीं नहीं ना, अब गाइस नहाई भी कैसे यार, इतनी ज़्यादा ठंड जो रखी है आज बहुत ज़्यादा। ठीक है मम्मी को बोल दे गर्म पानी कर देगी, फिर ना लेना, ठीक है? ओके। तो गाइस यार अपनी बाइक है ना एकदम खड़ी है यार, धूल वगैरह जम गई क्योंकि यहाँ पर है ना। अभी ये क्या है मम्मी?
भाई साहब, मतलब कि गाड़ी कोई सी भी हो, कुछ भी हो, पोचा यहाँ पर रखना है मम्मी को। मम्मी ये तो अच्छी बात नहीं है यार, मेरी गाड़ी के ऊपर पोचा मत रखा करो यार। यार इसको थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ, उसके बाद बाहर निकाल लेना और फिर चलते हैं। गाय यार इसकी चाबी खो गई थी, बड़ी मुश्किल से चाबी मिली है। बहुत देर ढूंढ, मतलब कि 1 घंटा लग गया था मेरे को ढूंढने में चाबी को। अब पता नहीं यार, 2 दिन से मैं यहाँ पर नहीं था ना, तो मम्मी ने पता नहीं कहाँ रख दिया था। इसको खोलते हैं और उसका देखते हैं कितना फ्यूल बचा है इसके अंदर। खुल जा सिम सिम, खुल जा। ठीक है, खुल गई यार। खुलते ही है ना इसकी बहुत अच्छी आवाज़ आती है, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कितना है, 537 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। और देखो फर्स्ट गियर में खड़ी है, और अभी इसके अंदर 2 डंडी कम हुई है और बाकी फ्यूल बचा हुआ है। मतलब कि मैंने डलवाया था ना हरियाणा से पेट्रोल, और उसके बाद ये चल चुकी 150 किलोमीटर, और फिर भी इसका 2-3 लीटर का तेल ख़त्म हुआ है और बाकी पूरा तेल बचा हुआ है। तो मतलब कि भाई जामा MT15 बहुत अच्छी एवरेज देती है। और यार देखो मेरे लोगो है ना यहाँ पर यूट्यूब, और यहाँ पर मेरे को वाइट कराना चाहिए था, अब मैंने रेड करा लिया, मैं इसको फिर से चेंज करूँगा। बट ठीक है, अभी तो सही लग रहा है। देखो यार यहाँ का क्या सीन है, यहाँ पर खेत है, और खेत में बाइक चलाने का है ना अलग ही मज़ा होता है। देखो सिटी में कितना हाईवे में चला लो, कितना भी चाहे पोल्यूशन पोल्यूशन में चला लो बाइक या कुछ भी, बट है ना खेतों में चलाने का अपना ही मज़ा होता है भाई। जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो सरसों के खेत थे, आगे देखना गेहूँ के खेत आ जाएंगे। अभी सरसों कटने वाली है और गेहूँ अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे, लगभग ये कट जाएंगे मार्च तक, तो मार्च में गेहूँ की फसल कट जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगा। और अभी अपन चलते हैं मार्केट। अब थोड़ी देर क्या है, थोड़ी देर बाद हम रोड पे चढ़ जाएंगे, और रोड भी बिल्कुल खाली मिलता है वो। तीन किलोमीटर चलने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं मार्केट में, और ये मेरे सिटी का है ना जूलरी मार्केट है, नाई की दुकान भी इधर ही है। और मैं देखो मिलाता हूँ जिससे मैं बाल कटाता हूँ ना हमेशा, उनसे मिलाता हूँ मैं आपको पहले। देखो पहुंच गए, तो कहते मैंने बाइक पार्क कर दी और अब चलते हैं अंकल के पास। चलो अंकल फ्री भी नहीं है। अंकल तो कहा यार ये बाल है ना पूरे कटवा लेंगे और पूरी गंजी करवा लेंगे आज। यार अरे परेशान हो चुका मैं बालों से, अंकल थोड़ा सा काटना है बस, थोड़ा सा, इतना इतना। एकदम रेडी हो चुके हैं, और 2-3 महीने हो गए मेरे को बाल कटाए। अंकल लड़ रहे थे बहुत ज्यादा कि कहाँ था इतने दिन से, और तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या इतने दिन कि बाल भी ऐसे हो रहे हैं यार। मैं बाल करवा लेता हूँ, फिर मार्केट चलते हैं घूमने के लिए, और फिर मैं आपको 2-3 बाल और बताऊंगा। ने बाल वगैरह कटवा लिया, और देखो आप लोग बता रहे थे ना कि इतने दिन से बाल क्यों नहीं कटवा रहे, क्यों नहीं कटवा रहे। यार मैं बिजी भी था, और मैं बाहर भी रहता हूँ, कई बार गुड़गांव, कई बार दिल्ली चला जाता हूँ ना, और फिर जयपुर चला गया था, तो इस वजह से बाल नहीं कटवा पा रहा था। और मेरा बताऊँ क्या है, मैं सिर्फ एक ही अंकल के पास बाल कटवाता हूँ, हमेशा उनके पास आता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बड़े बाल हो जाए, चाहे बाबा जी बन जाऊँ, बट उनके पास ही कटवाता हूँ हमेशा बाल कटवा के। तो आज अंकल के पास आना हुआ था, अंकल भी फ्री थे और मैं भी फ्री था, तो
तो बाल वगैरह कट गए। और यार देखो अब की बार है ना, मैंने अपनी हेयर स्टाइल ना, बालों की स्टाइल वो चेंज करवाई है थोड़ी, जो कि अभी अंकल बता रहे हैं एक दो कटिंग करवाऊंगा ना जब वो एकदम सेट हो जाएगी। अभी तो सेट नहीं है, आपको ऐसे दिख रहा होगा ना, बट एक दो बार कटिंग करवाऊंगा ना तब एकदम सेट हो जाएगी। और मैंने शेविंग करवा ली थोड़ा, अब ठीक है, सही लग रहा है। और अब मैं मार्केट चलता हूँ और उसके बाद चलते हैं घर पे। तो गाइस यार देखो इसको है ना, यहाँ पर कवर वगैरह लेना था तो मैं अपने भीम भाई के पास लेके आ गया इसको। हेलो गाइस, चाय पी लो। तो अभी कवर वगैरह देख ले भाई कौन सा पसंद है। वैसे है ना भीम भाई के पास इतने ज़्यादा कवर हैं, अब ये कन्फ्यूज हो जा रहा है कौन सा लूँ। तो गाइस यार इसने ये कवर पसंद किया है, ये मस्त लग रहा है कवर, लगाना एक बार जैसे का भी फ़ोन पे पीछे दिखाना। भाई साहब कितना खतरनाक लग रहा है ना। चल ठीक है, अच्छा है कवर। तो गाइस यार अब चलते हैं अपने घर पे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लेट हो गए, शाम भी होने वाली है और यार जाके नहाना भी पड़ेगा क्योंकि मैंने बाल कटवाया है। वैसे मैं नहा के आया था बट अब दोबारा से नहाना पड़ेगा। चलो गाइस यार देख लो मेरा जो घर आने का रास्ता है ना कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इधर भी तार है, इधर भी तार अगर गिर गए ना भाई साहब तो पूरा छिल जाएंगे। तो हम चलते हैं घर के ऊपर यार, तार क्या करें यार, हम मानते नहीं है। चल बैठ चलते हैं। तो गाइस यार फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं। मैं तो पहले गाड़ी खड़ी कर देता हूँ और फिर देखना दादाजी कैसे लड़ेंगे मेरे को। माँ मैं बाल कटवा लियो देख, सही है बाल, सही है बाल तो, पर तू अबे बाल ने ढक ली। ढक लूँ? छोटा सी की बड़ा होगा? तो भाई यार ये जो गोप्रो है ना इसकी बैटरी खराब हो रखी है अभी है ना, तो मेरे को मिल नहीं रही बैटरी इसकी। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, अब सोच रहा हूँ एक दो दिन में जब दिल्ली जाऊँगा ना मैं मीटअप करने के लिए किसी यूट्यूबर से, किसी क्या मेरे को तो पता ही है किससे मीटअप करना है। देखो तो इसकी बैटरी लेके आनी है मेरे को, अब यार मिल नहीं रही। ये GoPro Hero 6 है, ओल्ड मॉडल है ना, इसकी वजह से मेरे को बैटरी मिल नहीं रही इसकी। बट बाकी देखते हैं दिल्ली में मिल ही जाएगी शायद। तो यार गाइस बाल वाल कटवा के मैं एकदम घर पे आ चुका हूँ और मम्मी तो बोल रही थी कि हाँ ठीक ठाक ही कटवाया, दादी जी बोल रही है ठीक ठाक कटवाया। हर बार कटवा के आता हूँ ना तब डांटने लग जाते हैं, ये क्या करा लिया, मतलब इतने बड़े बाल रख दिए, पैसे खर्च कर दिए। बट अब की बार कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा कि भाई आते घर वाले डांटेंगे कि इतना बड़ा बाल रखा है। तो गाइस यार देखो बाल अभी सेट नहीं है मेरे, क्योंकि नाई ने कहा है कि एक बार दो बार कटवाओगे ना उसके बाद सेट होंगे। मैंने ना अपनी जो हेयर स्टाइल थी ना वो चेंज करवा ली, जो पहले करवाता ना उससे चेंज करवाया, पहली बार ट्राई किया मैंने करवा। अभी का कुछ सीन ऐसा है कि अब बज चुके हैं 5:30 और इतनी ज़्यादा सर्दी है भाई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सर्दी और ठंड ठंडी हवा चल रही है, पूरे दिन धूप नहीं थी। और भाई आप लोग बोल रहे थे कि भाई GoPro यूज़ क्यों नहीं करते, GoPro यूज़ क्यों नहीं करते हो। मैं जाता हूँ ना फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, रोड का सीन होता है जो फ़ोन से रिकॉर्ड होता है। तो देखो GoPro की बैटरी अभी है नहीं मेरे पास, जयपुर में मिली नहीं मेरे को, तो मैं दिल्ली जाऊँगा एक दो दिन में, तब वहाँ से बैटरी डलवा के फिर GoPro से मस्त मस्त वीडियो बनेगी। यार मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। अब मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।